रामपुर जिला चिकित्सालय की लेडीज सीएमएस अमिता शर्मा के रिटायरमेंट होने के बाद नई सीएमएस प्रभा रानी ने संभाला चार्ज। सीएमएस चार्ज संभालने के पश्चात ही प्रभा रानी ने कहा कि मैं अपने सीएमएस पद पर मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करूंगी और जो जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की काफी समय से कमी चल रही है उसे भी पूरा करने की मांग करूंगी। मैडम आप आज रिटायर हुई हैं, काफी अच्छा काम हुआ, काफी लोग तो आपके पूछते लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगी थोड़ा? देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति सर्विस में आता है ये प्रकृति का नियम के जो नौकरी में आया है उसको रिटायर भी होना है। पहले उम्र 60 वर्ष की थी, सरकार ने 2 वर्ष पहले बढ़ाकर इसको 62 वर्ष का कर दिया। अब नवंबर में 62 वर्ष पूरे करके मैं अपनी आधी वर्ष ड्राइविंग पूरी करके रिटायर हो रही हूँ। मैं बड़ा अच्छा अनुभव महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला जिसके साथ मैंने काम किया। हम सभी ने एक टीम भावना के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करा और अस्पताल को डॉक्टरों की कमी के बावजूद भी बहुत ऊँची ऊँचाइयों पर पहुँचाया। जैसा कि अभी बताया गया, मेरे सभी साथियों ने बताया, हमने तो कायाकल्प के 2 अवार्ड विन किए, नेशनल लेवल का अवार्ड हमने, स्टेट लेवल असेसमेंट हमने क्लियर कर लिया, नेशनल लेवल का असेसमेंट भी हमारा हो चुका है, उस पर भी हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम उसको भी क्लियर करेंगे। और जिन ऊँचाइयों को मैंने अस्पताल पहुँचाया है और ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपना चाय डॉक्टर प्रभा रानी को देकर जा रही हूँ, जो पहले भी अस्पताल में रही हूँ, और मुझे पूरी आशा ही नहीं, उम्मीद नहीं, आशा भी है कि वो भी हमारे अस्पताल को जहाँ पर मैंने छोड़ा है उससे ऊपर लेकर जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू। यहाँ पर मैडम आज चार्ज ले रही हैं, कैसा लग रहा है? देखिए चार्ज लेते हुए पहले जब मैं यहाँ पे पहले काम कर चुकी हूँ तो मुझे तब से फील होता था कि मैं सिर्फ सर्जन हूँ और मुझे काम करना है। अब चार्ज लेते हुए मुझे दबाव महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे और भी काम करना है, चार्ज का भी काम करना है, प्लस क्योंकि एज ए सर्जन हूँ तो वो भी काम कर रही हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ जो है चार्ज ही संभाल पाऊँ, डॉक्टर साहब जो सिर्फ चार्ज वाला काम करता था, लेकिन मुझे सर्जन होने के नाते मुझे अपने आप को डबल जिम्मेदारी का एहसास है क्योंकि मुझे साथ साथ दोनों काम करने पड़ेंगे। और मैं चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने काम किया तो उतना लगन से मन से मैं उससे इसको निराश ना करूँ पब्लिक को यहाँ की, और पब्लिक यहाँ की और भी खुश रहे, जितनी से सुविधा है उससे और ज़्यादा खुश। डॉक्टर समय समय पर डॉक्टर साहब ने भी बहुत कोशिश करी है कि यहाँ पर और डॉक्टर आ जाए, हम भी चाहेंगे कि और डॉक्टर आ जाए। अपने बड़े अफसर को, अपने अधिकारी को हम बताएंगे कि हाँ समय कमी, क्योंकि अकेला इंसान, मैं अकेली सर्जन तो सारा काम अस्पताल नहीं संभाल सकती हूँ, तो मैं मांग तो करूँगी कि और भी सर्जन आ जाए तो हमारा अस्पताल दिन दूरी रात चौधरी उन्नति करेगा। सबसे अच्छा है हमारे यहाँ काम पहले से भी होता रहा है और आगे भी होगा। मैम डॉक्टर्स की कमी तो काफ़ी समय से होती आ रही है और जैसा कि चल रहा है कि आप करेंगी तो ऐसा तो कर, काफ़ी समय से हो रहा है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, ये क्या है? कोई डॉक्टर आए नहीं? देखिए डॉक्टर्स तो कम है ही सभी को मानते जी जी, हाँ डॉक्टर्स कम है, लेकिन हाँ ये भी अच्छी बात है कि अगर आप कम साधन में अगर सभी लोग, हमारा स्टाफ पूरा मनोयोग से काम करता है और हम सब लोग मनोयोग से काम कर रहे हैं और पब्लिक भी हमें उतना ही प्यार दे, पब्लिक भी हमें झगड़ा बरसात ना करे और पूरी रिस्पेक्टफुली ये सोचे कि हाँ ये लोग जो काम कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, तो उससे काम करने में और सुविधा होती है और जो काम हम कर पाते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं बिना किसी तनाव।